जनरल फॉर्म में ऑड पावर्स को कैसे प्लॉट करते हैं, पॉलिनोमियल्स की ऑड पावर। पहले हमने x की पावर 2n का सीखा था जो इवन पावर थी, आज हम ऑड पावर्स को देखेंगे। तो दैट मीन्स टुडे आई हैव y इक्वल टू x की पावर 2n माइनस 1। ऑर्डर ऑर्डर इवन है, बताओ n क्या है? n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हम जानते ही हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इस तरीके से जाते जाते हैं इन्फिनिटी। मैंने n इक्वल टू 1 रखा, y क्या मिल गया? x मिल गया, n के लिए मैंने रखा और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 पे y x क्यूब हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। n इक्वल टू 3 पे x की पावर 5 हो जाएगा। तो इन तीन की हेल्प से हम आइडिया लगा लेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है? तो बनाओ ग्राफ, बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स कैसे निकलते हैं वो आप जानते ही हो, 10th क्लास में हम सीख के आए हैं, ठीक। तो देखो अब मैं इसको चार पार्ट में ब्रेक करूंगी। वहाँ इवन पावर में मैंने तीन पार्ट में ब्रेक किया था और इवन टू पार्ट में उसका बिहेवियर पता चल गया था कि इस बीच में कुछ और था और यहाँ पे और यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम था x की पावर 2n का। अब देखो क्या होगा इस वाले फंक्शन का, यहाँ पे बिहेवियर कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो ऑड फंक्शंस होते हैं दे आर सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में वो सिमेट्रिकल होते हैं। वहाँ पे कहाँ सिमेट्री थी? अबाउट वाई एक्सिस थी, कि जैसा यहाँ था वैसा यहाँ था। यहाँ पे क्या होगा कि जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे होगा, तो दिस इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक, ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट का ये, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। क्वाड्रेंट होते हैं तो ऑपोजिट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट और थर्ड अपोजिट होते हैं, सेकंड एंड फोर्थ अपोजिट होते हैं। तो जैसे यहाँ होगा ऐसे यहाँ होगा। तो मैं पहले पॉइंट्स देख लेती हूँ, पॉइंट्स की हेल्प से मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्स लिया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स लिया, ये तो सेम ही आ जाएगा। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, वाई स्क्वायर क्यूब, y इक्वल टू एक्स की पावर 5। तो मैं पहले इसके बीच के पॉइंट देख लेती हूँ, 1/2 ले लेती हूँ, 1/4 ले लेती हूँ, दो पॉइंट से मुझे आइडिया हो जाएगा। 0 पे 0 है सारे, 1/2 पे ये तो 1/2 ही है, ये 1/8 है, 1/32 है, ठीक है। 1/4 पे 1/4 है, तो फिर मैं लूँगी 1 पे, तो ये 1 1 1। तो देखो बिहेवियर, ये तो अपनी स्ट्रेट लाइन, इसको मैं ब्लैक से ही बना देती हूँ। ये है मेरा y इक्वल टू एक्स। अब देखो 0 से 1 के बीच में मैं देख रही हूँ कौन सा बड़ा है, हाफ बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। तो जब x है मेरा 0 और 1 के बीच में, तो इसका बिहेवियर क्या है कि x इज ग्रेटर देन x क्यूब, इज ग्रेटर देन x की पावर 4, इज ग्रेटर देन डॉट डॉट डॉट, ये है बिहेवियर, है ना? ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ से तो इक्वल ही हो जाएगा। तो मैं x क्यूब को ऐसे बना रही हूँ ग्रीन कलर से, तो जो मेरा x की पावर 5 होगा वो यहाँ से कम होगा,
वन से इन्फिनिटी के बीच में, वन से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो होगा एक्स, अब देखो टू रखा मैंने, टू आया, एट आया, 32, तो हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये बड़ा है, तो यहाँ पे देखो जब एक्स वन और इन्फिनिटी के बीच में है, ये लिख दिया मैंने, तो एक्स इज लेस देन एक्स क्यूब इज लेस देन एक्स पावर 5, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव में, जब मैं माइनस का हाफ रखूँगी तो नेगेटिव में वैल्यूज आ जाएंगी ये सारी, ये तो माइनस हाफ ही रहेगी स्टेटमेंट, ये माइनस 8/8 और ये -1/32, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, x इज लेस देन x क्यूब, नेगेटिव में क्या होगा, तो जब x है -1 से 0 के बीच में तो x इज लेस देन x क्यूब इज लेस देन 5, ठीक है, तो ये जाएगा आके क्या होगा, जब x है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में तो कौन सा बड़ा रहेगा, x देख लो, जब माइनस 2 रखूंगी तो क्या आएगा, -2 -8 -32, तो इसकी हाइट इससे ज़्यादा होगी, है ना, इधर तो ज़्यादा है, इसमें x is greater than x cube is greater than x की पावर 5, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, तो जो रेड वाला है वो x की पावर 5, ग्रीन x cube है और ये x y equal to x है, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे उतना अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे ग्राफ्स को, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे कई कई बार इन ग्राफ्स को प्लॉट करोगे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा माइंड, आपको फिर इतने पॉइंट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, लेकिन इन फर्स्ट सम ट्रायल्स जब शुरू शुरू में बनाओगे तब आपको पॉइंट्स लेने चाहिए जिससे आपको आइडिया हो जाए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो उन्हें कभी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि रटी हुई चीज़ कभी दिमाग में नहीं घुसती, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, उनको अपने आप से नहीं करोगे बैठ के, उसको टाइम नहीं दोगे, तो ये मैंने तो फिर भी कम पॉइंट्स लिए, आप और ज़्यादा पॉइंट्स लीजिए, भले से आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यूज़ निकाली आपको आइडिया होगा कौन सी वैल्यू बड़ी है, कहाँ इसका स्लोप किस तरीके से आ रहा है, और जब आप इनको खुद बनाओगे बैठ के तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये था ऑड पावर्स का ग्राफ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।